आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज मैं पास्ता बनाने जा रही हूँ। आपको बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ पास्ता। रेड पास्ता बनाने के लिए मैंने दो तरह का पास्ता लिया है, एक ये एक ये, और एक चम्मच ऑयल लिया है, एक आधी चम्मच नमक लिया है। मैं हमेशा दोनों को ही मिक्स करके बनाती हूँ। आप एक को बनाना चाहें तो आप एक को बना सकते हैं। अब इसको हम उबलने के लिए रख देते हैं। हम 3 गुना पानी लेकर इसको उबलने के लिए रख देते हैं। हमने उबालने के लिए एक पैन रख दिया है, इसके अंदर अब हम पानी डालते हैं। गैस अपनी तेज़ी रखें। अब ये पास्ता हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ये दूसरा भी ऐड कर देते हैं, ये नमक, ये ऑयल हमने इसलिए डाला है जिससे कि पास्ता आपस में ना चिपके, और इसको चलाकर ढक दें। आप इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख दें जिससे ये उबल जाए। बीच बीच में हम इसको चलाकर देखते रहें कि हमारा पास्ता कितना पका है। अब आप गैस अपने धीमी कर दें और इसको ढककर रख दें। अभी हमारा पका नहीं है। अब हमारा पास्ता पक चुका है। ये इस तरह से आप छलनी में डाल दें। इसके ऊपर हम ठंडा पानी डाल देते हैं। ठंडा पानी हम इसलिए डालते हैं जिससे कि आपस में चिपके ना। हमने तेल भी इसलिए ही डाला था जिससे कि आपस में ये चिपके ना। और गर्म है फिर इनको चम्मच से चला दें। रेड पास्ता बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है वो हम आपको बताते हैं। एक बड़ी प्याज ली हमने, और 2 टमाटर, 2 शिमला मिर्च, 50 ग्राम कोन, 50 ग्राम रुकनी, 2 चम्मच ओलिव ऑयल, 1 चम्मच ओरेगानो, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच नमक, 1/4 चम्मच चिल्ली फ्लेक्स, 3 चम्मच टमाटो केसर, 3 चम्मच पास्ता सॉस। अब हम शुरू करते हैं। मैंने एक पैन रख दिया है, इसके अंदर हम ऑयल डालते हैं। गैस हमने धीमी रखी हुई है। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड करते हैं और इसको भून लेते हैं। हमें प्याज पूरी गोल्डन ब्राउन नहीं करनी है, जब थोड़ी सी वाइट हो जाए तो हम इसके अंदर ये टमाटर ऐड करते हैं। इसके अंदर हम नमक डाल रहे हैं जिससे ये प्याज और टमाटर दोनों गल जाएं। नमक डालने के बाद हम इन दोनों को मिलाकर 2 मिनट के लिए ढक देते हैं जिससे कि हमारे टमाटर पूरी तरह से गल जाएं। हम देखते हैं कि हमारे प्याज टमाटर कितने गले हैं। अभी हमारे प्याज टमाटर आधे गले हैं, तो इसलिए हमको अब इसमें आधे गले हुए में ही शिमला मिर्च और कॉर्न दोनों ही ऐड करने हैं। दोनों हमने ऐड कर दिए हैं। अब फिर इसको हम चलाकर ढक देते हैं। अब 2 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम देख लेते हैं। अब ये हमारा काफ़ी हद तक गल गया है, तो इसलिए अब इसके अंदर हम चुकनी डाल देते हैं और ये मसाले भी सारे ऐड करते हैं। ये सारे मसाले मिलाने के बाद फिर हम इसको ढकते हैं, 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। और 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको देखते हैं कि हमारा मिक्सर पक चुका होगा। हमारा मिक्सर पक चुका है। गैस धीमी ही रखे क्योंकि मैंने पूरा मिक्सर धीमी गैस पे ही पकाया है। अब इसके अंदर हम उबला हुआ पास्ता डाल देते हैं जो हमने पहले उबाल के रखा हुआ है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम 3 चम्मच पास्ता सॉस डाल रहे हैं। इसको डाल के भी हम मिला लेंगे। 3 चम्मच टमाटो केचप डाल रहे हैं, इसको भी हम मिला देते हैं। हम सब मिश्रण को एक साथ अच्छे से मिलाएंगे। आप चाहें तो टमाटो केचप या पास्ता सॉस
कम बर्फी कर सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब हमारा पास्ता खाने के लिए तैयार है। यदि आप अपने घर में इस तरह से पास्ता बनाएंगे तो आप मुझे कमेंट में लिखना कि आपका पास्ता कैसा बनाओ, और यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। इसको हम प्लेट में पलट देते हैं। खाइए भी, खिलाइए भी, मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ।